माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप नया चैप्टर शुरू करेंगे, देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी ये एक नया चैप्टर है, नया यूनिट भी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी अंडरलाइन कीजिए। देखिए मैं आपको करंट के बारे में कुछ आइडिया दूंगा पहले, लेकिन सम आइडिया अबाउट करंट, करंट के बारे में कुछ आइडिया लीजिए। देखिए मेरा पहला पॉइंट है, करंट का सिंबल है आई, कैपिटल आई और स्मॉल आई। लिखिए करंट इज, मेरे साथ लिखिए, करंट इज डिनोटेड बाय आई। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, करंट का यूनिट इज एम्पियर, ये लिखेंगे, यह करंट का ऐसा यूनिट, ये प्रैक्टिकल यूनिट एम्पियर ही होता है। और स्टार्ट एम्पियर आप अपने के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। करंट का डायमेंशन है कैपिटल ए करंट एम्पियर, और कैपिटल आई भी कोई लिख सकता है, ठीक है, लिख दीजिए। देखिए चार्ज और करंट के बीच में रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन देखिए, द रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड करंट थोड़ा जूम कीजिए, चार्ज एंड करंट इज क्यू इज इक्वल टू आई टी। चार्ज और करंट के बीच में रिलेशन है क्यू इज इक्वल टू आई टी। क्यू इज इक्वल टू आई टी का फंडामेंटल क्या है, जब चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज हमेशा आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। चार्ज जब फ्लो करेगा, चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज, यहां से यहां फ्लो करने के लिए कुछ टाइम लगेगा, यह है चार्ज। चार्ज फ्लो करेगा तो करंट एस्टाब्लिश होगा। तो चार्ज और करंट के बीच में रिलेशन है क्यू इज इक्वल टू आई टी। देखिए और एक पॉइंट, सिंस क्यू इज इक्वल टू आई टी इंप्लाइज आई क्या होगा क्यू आई टी, तो करंट होता है चार्ज बाय टाइम। जब यूनिट वाइज लिंक करेंगे, करंट का यूनिट है एम्पियर, इज इक्वल टू चार्ज का यूनिट है कूलम्ब, बाय टाइम का यूनिट है सेकंड। तो कोई आपको पूछेगा कि एम्पियर कूलम्ब और सेकंड के बीच में रिलेशन क्या है, तो ये बोलेंगे एम्पियर इज इक्वल टू कूलम्ब बाय सेकंड। कूलम्ब एम्पियर होता है, कूलम्ब पर सेकंड, ठीक है, ये लिख लीजिए। अभी देखिए तो चार्ज फ्लो करेगा तो करंट एस्टाब्लिश होगा, दिस इज द फंडा। तो करंट मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एमीटर, देखिए मेरा एमीटर हेवी करंट मेजर करता है, एमीटर उससे छोटा करंट मेजरमेंट करता है मिली एमीटर एकदम छोटा करंट मेजरमेंट करता है गैल्वेनोमीटर। तो कहने का जरूर है करंट कैन बी मेजर MESURED मेजर बाय नंबर वन इज एमीटर, नंबर टू इज मिलीएमीटर, नंबर थ्री इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बहुत कम करंट मेजरमेंट करता है, एकदम थोड़ा, सर्किट में करंट है कि नहीं हम कैसे जानेंगे, तो गैल्वेनोमीटर लगा देंगे सीरीज में तो करंट है कि नहीं हम मालूम पड़ जाएगा। तो देखिए करंट का डायरेक्शन, हेडिंग कीजिए डायरेक्शन ऑफ करंट
करंट का डायरेक्शन क्या है? देखिए इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट को बोलते हैं और कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल EINL कन्वेंशनल करंट। करंट का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जिधर मूवमेंट करेगा करंट उसका ऑपोजिट में एस्टैब्लिश होगा। नेगेटिव चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा करंट उसका ऑपोजिट में एस्टैब्लिश होगा, या प्रोटॉन जिधर मूव करेगा करंट का डायरेक्शन वही होगा। तो व्हाट इज कन्वेंशनल करंट आपको पूछा जाएगा, करंट का डायरेक्शन क्या है? आप ये बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का बात बोलेंगे कि बोलेंगे इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है करंट उल्टी दिशा में फ्लो करता है। लिखिए द डायरेक्शन ऑफ करंट, लिखिए द डायरेक्शन, जूम कीजिए, द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट, इज ऑपोजिट, ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सेम अलोंग द सेम टू द, लिखिए सेम टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लिखिए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है। तो ये आज याद रखेंगे करंट मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या है, एमीटर, मीटर, गैल्वेनोमीटर। करंट का डायरेक्शन क्या है? चार्ज इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, जिधर जाएगा करंट उल्टा दिशा में जाएगा, बात पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा करंट वही दिशा में जाएगा, ठीक है।